प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी भाई वहाँ से दुबले पतले होकर आ रहे हैं। ये दुकान में क्या कर रहे होंगे, दुकान में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, पता भी तो नहीं चलता। कहीं ये खा कर हाथी ना हो जाए। अरे दास बाबू, मंदी है करके मैंने आपको भाव कम करके दिया, बराबर है। आपने बोला 30 दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा, अभी 90 दिन, ये देखो 90 दिन हो गए, अभी तक आपने पेमेंट नहीं भेजा है। नहीं, अभी बहुत हो गया आपका, बाबू मोसा है। मेरे को नहीं, मैं काम करता हूँ, वो इंटरेस्ट लगा के बिल भेजता हूँ, वो पैसा दे देना मुझे आप। एक मिनट चालू रखो। हाँ बोलो दया, क्या है? आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अरे नहीं खाने का था। क्यों? आप रात को घर पर आइए तब बताती हूँ। हाँ हेलो, बापूजी एक बात बताना भूल गई, ये हमारे हाथी भाई है ना, 30 किलो वजन कम किया है। अब वो हाथी में से हिरण बन के आएंगे। तो बापूजी एक बात पूछूं, आप ऐसे हिरण जैसे? अरे मैं तो बचपन से ही एकदम तंदुरुस्त हूँ बहू। तो फिर टप्पू के पापा ऐसे क्यों? अरे जेठिया तो अपनी माँ पे गया है, दोनों खाने में एकदम शौकीन। आपको नहीं लगता है कि टप्पू के पापा को आपके जैसे हिरन बनने की जरूरत है? है? बात तेरी सही है बहू। आने दे उसे। हाँ मैं आता हूँ। हाँ कल मिलते। दया बापूजी, बहुत जोर की भूख लगी, क्या खाने में क्या है आज? बेटा इधर आ। हाँ बहू, तेरी बात एकदम सही है, जेठा वजन कम करना होगा। किसका? तेरा। क्यों? क्यों क्या? हाथी भाई ने 30 किलो वजन कम किया है। तो हाथी भाई ने वजन कम किया है तो उसमें मैं क्यों वजन कम करूं? तंदुरुस्ती के लिए। बापूजी मैं तंदुरुस्ती हूँ। अरे क्या तंदुरुस्ती हूँ बापूजी, ये देख तेरा पेट देख कितना बाहर आ गया है। आप पर उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तकलीफ नहीं है। बापूजी मैं बताती हूँ, पहले ये फीते वाले जूते पहनते थे, अब ये बिना फीते वाले जूते पहनते हैं। पूछिए क्यों? क्या? अभी मुझे ये स्टाइल पसंद है इसलिए। अच्छा स्टाइल, आपकी सब स्टाइल मुझे मालूम है। बापूजी फीते वाले जूते बांधने में इनका बड़ा सा पेट बीच में आता था ना, इसीलिए अब इन्होंने बिना फीते वाले जूते पहनना चालू कर दिया है। बोलो। क्या बोलो? तू बोल। तो मतलब अभी क्या, आज से तेरा खाना बंद? मतलब एक टाइम का खाना बंद? एक टाइम का खाना बन ना, ठीक है चलो अभी तो खाना दे, कल से मैं एक ही टाइम खाऊंगा बस। चल ये भाई, एक टाइम का खाना बन मतलब तेरा रात का खाना बन, और वो भी आज से। क्यों सिर्फ रात का खाना बन? अरे सुबह तो तू दुकान में चोरी छिपे खा लेगा,
लेकिन रात को तो इधर घर में हमारे सामने रहेगा ना। बापू जी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या दुकान से मैं निकला ना तभी मुझे पता नहीं था कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर ये सब कायदे कानून लागू पड़ जाएंगे। तो अभी मुझे खा लेने दीजिए, इसके बदले में कल सुबह मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठिया बापू जी दया सॉरी। कैसी बीवी दी है तूने प्रभु मुझे? आज इसने किचन को लॉक करके रखा है। बोलो, लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। एक मिनट, शायद डाइनिंग टेबल पे कुछ पड़ा हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ये क्या? खाना ढूंढना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अक्कल नहीं है लेकिन मुझे परेशान करने के लिए दुनिया भर की अक्कल आ जाती है इसमें। टप्पू के लंच बॉक्स में कुछ बचाओ। वाह भाई, हो कितना सारा खाना है इसमें। एक पूरा बिस्किट और चिवड़े का बचा कुचा चूरा। चलो जो भी है। चिवड़ा, हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, क्या हुआ? कोई गड़बड़ तो नहीं की? तुम सुनना चाहते हो, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैं खाली ये कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ठालाल, ये बात बताने के लिए तुम्हें रात को 1 बजे का वक्त मिला था? रात को 1 बजे कोई इंसान फोन करता है जेठालाल? हाँ, क्यों, मैंने किया ही है ना। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जरा माधवी भाभी को फोन देना। तो क्या, वो सो रही है? हाँ तो जगाओ भाई, ऑर्डर देना है। जेठालाल, रात को 1 बजे तुम माधवी को ऑर्डर दोगे? अरे हेलो जेठा भाई, बोलिए क्या बात है? माधवी भाभी, एक अर्जेंट ऑर्डर देना है। सॉरी आपको इतनी रात को फोन किया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं जेठा भाई, अर्जेंट ऑर्डर हो ना तो आधी रात को भी आप फोन कर सकते हो। बताइए बताइए आप। तो एक आधा किलो चिवड़ा। आधा किलो चिवड़ा और बस? हाँ बस। क्या? ठीक है, 1/2 किलो बाकरवड़ी भी दे दो। 1/2 किलो बाकरवड़ी। जेठा भाई बस इतना सही ऑर्डर है? हाँ बस। हेलो, हे निर्लज्ज। हाँ चलो वो भी 1/2 किलो भेज दो बस। अरे हे जेठालाल, कुछ अकल है तुम में? हाँ, रात को 1 बजे किसी को फोन करके चिवड़ा बाकरवड़ी मांगते हो? मूर्ख मानुस मोंडे हो। अरे अरे भाई मजाक नहीं करो, भूख लगी। भगवान भगवान, आज कुछ नहीं हो सकता, आज गम खा के सोना पड़ेगा। दया। हाँ बोलिए। ये कच एयरवेज की एरोस्टेस, बोलिए। नाश्ता कहाँ है? नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया। क्यों? याद कीजिए, कल रात को बापूजी के सामने आपने कहा था
कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। दयान, नॉनसेंस, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ दया, अरे तू भूल रही है, मैंने ये कहा था कि अगर मैं रात का खाना खाता हूँ तो उसके बदले में सुबह खाना नहीं खाऊंगा। वो सब छोड़िए, आपने कहा था कि मैं सुबह नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। और मेरी माँ कहती है कि जैसा पति कहता है वैसा ही करो। अगर पति कहे कि कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाने का, तो कूद जा। जा, जा। क्या मजाक कर रहे हैं? दया, तुम्हारी माँ ने कहा है ना कि जैसा पति कहे वैसा ही करने का। हाँ? तो मैं तुम्हारा पति, हाँ? तुमको अभी ये कह रहा हूँ, हाँ? कि मेरे लिए खाना बना के लेके आओ। हाँ? जाओ, अभी बनाती हूँ। अभी कितने बजे हैं? 10। ठीक है, तो 11 बजे है ना, खाना मिल जाएगा। एक घंटा? फिर खाना बनाने में टाइम तो लगता है कि नहीं? सब्जी को काटो, उसको कुकर में डालो, फिर सीटी बोला तो फिर उसको तो तेल में डाल के, फिर तो सीटियों पे सीटी बजाओ। और बस रहने दे, मैं शेट्टी की होटल में खा लेता हूँ। क्या शेट्टी भाई की होटल में जा रहे हैं? तो उनको बोलना कि 2 मसाला डोसा इधर भी पार्सल कर दे। थैंक यू। यस गोली, फाइनली तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा ने 30 किलो कम करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। यस बेटा, तो तुम तैयार हो ना अपने स्लिम और ट्रिम पापा को मिलने के लिए? यस। क्या कर रहे हो आप? ये वो पचपन में कुछ लग गया ना। अरे उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। फिर कितने केले खा रहे हो? 2 तो खा चुके हो। तो क्या मोटे हो जाओगे आप? हाथी भाई को देखो कितने पतले होकर आ रहे हैं। 30 किलो वजन कम किया है उन्होंने। अच्छा? हाँ? 30 किलो? हाँ? मैं भी करूंगा। गुड, लेकिन पहले 30 किलो बंडे तो दो। हाँ? अरे सुनिए टप्पू के पापा, आप शेट्टी भाई को कहना कि घर पर जो डोसा भेजने वाले हैं ना उसमें सांभर ना भेजे, सिर्फ चटनी ही भेजे। और सुनिए, आप डोसे के साथ सांभर ही खाना, चटनी मत खाना, क्योंकि उनकी चटनी है ना उसमें नारियल ज्यादा होता है और नारियल से वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। भिड़े बहन, देखा ये भी पतले हो रहे हैं। कल से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तो भी कल रात को 1 बजे हमारे घर पे फोन करके चिवड़ा का ऑर्डर दे रहा था। क्या आपने चिवड़ा खाया? माता जी मत बोलना दया, मैंने कुछ नहीं खाया है। ए भाई, ए भेड़े, तू क्या मेरे घर में आग लगा रहा है? मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन तुमने भेजा था? नहीं भेजा नहीं, लेकिन भेजता तो खाते ना। टप्पू के पापा, आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। दया, चिठालाल, भेड़े, लेकिन ले लो, ले दो। देखिए दोनों शांत हो जाइए, भूख की वजह से अब मुझ में ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं है। ये बावरा हो गया गोली, किसी को भी पापा बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आते ही होंगे। बाप रे, ऐसा क्या देख लिया कोमल भाभी ने? मम्मी, मम्मी, कोमल भाभी, मम्मी, उठो ना मम्मी। मम्मी, आओ 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 आओ। क्या नाम है? कोमल भाभी, क्या हुआ? कोमल भाभी उठिए। देखो ना, कोमल भाभी उठिए। मम्मी, अरे अरे अरे, क्या हुआ कोमल बहन? अरे गोली बेटा, क्या हुआ मम्मी को? क्या पता रिक्शा को देखकर बेहोश हो गई। देख क्या रहे
कोई पानी मंगाओ, कांदा सुंगाओ इनको। खड़े क्या, लेके आओ कांदा पोहा, जो भी है लेके आओ। कांदा पोहा नहीं, कांदा पानी बोल रहा हूँ मैं। जो भी है लेके आओ भाई। अरे अरे भूकंप आया क्या? एक मिनट भाई साहब, धीरे धीरे बाहर आवा, आराम से। अरे एक एक मिनट, अरे अरे ओ भाई साहब, अरे यहाँ आवा, यहाँ आवा। अरे इनका बाहर निकालने में मदद करा भाई। अरे मैं तो कहती हूँ पानी छिड़को, अच्छा रहेगा। डॉक्टर हाथी आप? अरे ये क्या कर लिया आपने? आप तो वजन कम करके आने वाला थे। जेठा भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक है ये? 30 किलो का फर्क, मतलब आप 30 किलो वजन बढ़ा के आए। कहाँ है दया, कहाँ है? ओ भाई साहब, अरे हम पर दया करा भाई, और इका बाहर निकाला। आपको पता है रास्ते में आते वक्त ससुराल रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया था और रिक्शा का जैक भी फिट नहीं हो रहा था। फिर जाके ट्रक का जैक लेके आए, रिक्शा में फिट किया, तीनों टायर बदला, तब जाके इको यहाँ ले आया हूँ। अरे भाई इतनी तकलीफ हो रही है तो बिठाया क्यों? हाँ बिठाया क्यों भाई? अब क्या हुआ कि हम गए थे पान खाने, रिक्शा साइड में पार्क करके, फिर आते वक्त देखा कि रिक्शा में 3 लोग बैठे हैं। हम कहा चलो छोड़ देते हैं, धंधा है भाई। फिर रिक्शा स्टार्ट करके जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो हमने आईने में से देखा तो का देखा बप्पा, आदमी 3 लेकिन ससुरा सर 1 ही है। फिर जब पलट कर देखा तो देखा गई बाबा, ये तो 1 ही आदमी है और उसका सर भी 1 ही है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है भैया, अभी का बाहर निकालो भाई। निकालो निकालो। हाँ, एक एक बाजू हटो, आप बाजू हटो। हाँ, आ जाओ। अरे एक मिनट संभल, दाया हाथ वहां से डालो और बाया हाथ से ये पकड़ो और उसको जोर से खींचो उनको। ए भाई ए, तू क्या ट्रैफिक हवलदार के जैसे मेरे को डायरेक्शन बता रहा है? तू भी मदद कर इधर भाई। संभल क्या, एक मिनट। क्या हुआ? अरे उंगली दब गई मेरी। कैसे निकाले, तुमको आता ही नहीं निकालने के लिए। तुम यहाँ पे आ जाओ अभी। देखो तुम करो, चलो ये केला पकड़ो मेरा। अरे फेंक देना केले अभी यार, केले केले केले। अच्छा मुझे पकड़ो अभी। हाँ पकड़ा है भाई, चलने। 1 2 बजरंग बली की जय। क्या कर रहा है भाई ये? बचपन में साकड़ी खेला नहीं था क्या? एक मिनट, हम दोनों से नहीं होगा, सबको बुलाना पड़ेगा। हाँ। अरे सोटे, अरे मेहता साहब। अय्यर अय्यर। हाँ अय्यर अय्यर को तो खास बुलाओ भाई। अय्यर अय्यर अय्यर। अरे सोटे कोमल भाभी, पानी की जरूरत है। क्या हुआ इनको? अरे हम सब कब से यही पूछ रहे हैं पर ये बता ही नहीं रहे हैं। कोमल भाभी नहीं, ये मेरे डॉक्टर हाथी नहीं हो सकते। नहीं। अरे क्या हुआ? साथ में आपको निकालेंगे। अरे जल्दी आओ, थोड़ी किधर है तू? बता साहब आइए, देखिए जेठालाल ये कौन है? ये अपना डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी ये कैसे? डॉक्टर हाथी ठीक हूँ? नहीं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। पापा पापा बाद में बेटा, वरना मेरी उंगली की तरह तू भी दब जाएगा। पापा बाहर आए ना, बाद में मिलना। पापा वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा। अभी मेहता साहब क्या करे, इनको निकाले कैसे? अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक बार सब ताकत लगाना भैया, जोर से। आराम से, अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। चलो आ भैया, रिक्शा गोकुल धाम सोसाइटी, मेरी ही रची हुई दुनिया और मेरे ही रचे हुए पात्र। लेकिन सच बताऊं, कई बार खुद मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये पात्र इसी दुनिया के हैं? भाई कमाल है यहाँ, जो ना हो जाए वो कम है। कभी कोई छपरे पे चढ़ जाता है,
कभी कोई बालकनी में आके चिल्लाता है, कभी कोई सोसाइटी में कुल्ले करता है, और आज तो हदी हो गई, डॉक्टर हंसराज हाथी ऑटो रिक्शा में फंस गए। सचमुच मुझे बहुत दया आ रही है रिक्शे पे जिसमें डॉक्टर साहब फंसे हुए हैं, पता नहीं कैसे निकल पाएंगे। और सोसाइटी के लोग, आप एक चीज की जरूर तारीफ करिए, यूं हर बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आज जब समस्या आन खड़ी हुई सब एक हो गए इस समस्या का हल निकालने के लिए। लेकिन इस समस्या के हल और उसके बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके बीच में एक चीज तय है, और वो है आपके ठहाके। लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।